महामहिम 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 प्रणाम महामहिम। मैंने तुम्हें सावधान किया था कर्ण, ये एक राजा और योद्धा में अंतर होता है। सर्वोत्तम राजा वो नहीं के लिए प्रस्तुत हो जाए, वह जो प्रजा के हित में निर्णय ले और युद्ध को टाल दे। चुट टाल कर अब तक अंग का कौन सा हित साधा गया है महामहिम? जब परीक्षा की घड़ी हो, प्रजा त्राही त्राही कर रही हो, तो हर राजा का योद्धा बनना आवश्यक होता है। किस परीक्षा की घड़ी की बात कर रहे हो तुम कर्ण? उनकी प्रजा को देखिए, उनकी प्रजा को देखिए महामहिम। एक राजा का कर्तव्य होता है कि उसकी प्रजा संपन्न हो, कि उसके राज्य में कोई भूखा ना सोए। और यहां भूख की अग्नि बुझा सके, इतना अन्न मिलना तो दूर की बात है। इन्हें तो इतना जल तक नहीं मिलता कि ये अपनी प्यास की अग्नि बुझा सके। ये एक राजा के लिए परीक्षा की घड़ी नहीं तो क्या है? क्या हस्तिनापुर इतना दूर है कि वहां तक इनकी पीड़ा नहीं पहुंचती? या हस्तिनापुर की आंखें झूठे स्वप्न देखने में इतनी व्यस्त है कि उन्हें अंग के सूखे अश्रु नहीं दिखते? क्या कहीं ऐसा तो नहीं महामहिम कि हस्तिनापुर के गुप्तचरों ने आपको अंधकार में रखा? वर्षों तक, क्या कहें दशकों तक, कदाचित हस्तिनापुर साम्राज्य में अंग ही ऐसा क्षेत्र होगा किसी भी छोटे बालक को यह नहीं पता कि उसके महामहिम भीष्म दिखते कैसे। अद्भुत दृश्य, अंग प्रदेश के भूतपूर्व शासक और वर्तमान राजा का यह मिलन देख के तो मेरी आंखें भर गई। महामहिम, यदि आपको संधि के नियम स्मरण हो तो अपने इस मेमने से कहिए कि मेरी दृष्टि से दूर हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसका प्रलाप एक सोए हुए सिंह को जगा दे। क्या हुआ अंगराज कर्ण, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारे ये महामहिम तुम्हारे अपमान के लिए मुझे तुम्हारे समक्ष दंडित करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला महारथी कर्ण। मैंने तुम्हें एक बार चेताया था, दो बार तुम्हें मैंने सावधान किया था, अब मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं कर्ण। इसी क्षण तुम अंग प्रदेश को छोड़कर वापस चले जाओ, अन्यथा तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंग प्रदेश में ना कभी कोई राजा था, ना ही अंग प्रदेश को किसी राजा की आवश्यकता है। मैं बचपन से ही तनिक हटी हूं दानव, महामहिम सैकड़ों बार मुझे समझा चुके हैं, जब उनकी बात नहीं समझ पाया तो तुम्हारी क्या समझूंगा? इसलिए मुझे तुम्हारी अंतिम चेतावनी भी अस्वीकार है। तू ऐसे नहीं मानेगा कर्ण। कर्ण सावधान।
हट जाओ कन्या, मैं स्त्रियों पर अस्त्र नहीं उठाता। जानती हूँ महामहिम, इसीलिए आपके और कर्ण के मध्य खड़ी हूँ। तुम नहीं जानती तुमने कितने बड़े विनाश को आमंत्रण दे दिया है। जो चुनौती को समक्ष देखकर रुक जाए वो कर्ण नहीं महामहिम। आप ही का गुरु भाई है और आप ही जानते हैं कि अब उसे रोक पाना संभव नहीं। ये है अंग के राजा के अपमान के उत्तर में। ये है मां महिम भीष्म के अपमान के उत्तर में। अंग की प्रजा से उसके अधिकार छीनने वाले का अंत हुआ, अंग की मानसिक परतंत्रता का अंत हुआ। अंग में एक नए सूर्य, एक नए प्रकाश का आरंभ हुआ। महामहिम, 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 हमारी रक्षा कीजिए महामहिम, इस विनाश से हमें बचा लीजिए। देख रहे हो कर्ण, अपनी प्रजा की आंखों में भय देख रहे हो। तुमने अंग को जल का अधिकार नहीं दिलाया, उनसे जीवन का अधिकार छीन लिया है। तुमने किसी नए प्रकाश का प्रारंभ नहीं किया, बल्कि एक महायुद्ध का प्रारंभ किया है जो अंधकार बनकर उनके जीवन पर छा जाएगा। तुमने इस दानव को नहीं मारा, तुमने एक महादानव को जगा दिया है। तुम्हें क्या लगा भीष्म आंखें बंद करके बैठा था? नहीं करण, ये बांध अंग का जल रोकने के लिए नहीं था, उसका विनाश रोकने के लिए था। तुमने अंग की स्वतंत्रता को नहीं बल्कि बृहद्रथ पुत्र महाबलशाली जरासंध के त्रास को ललकारा है करण।
ये जरासंध जिसके बल के समक्ष वासुदेव कृष्ण को भी रण छोड़कर जाना पड़ा था। महाराज, कौन था वो योद्धा? दिखने में कैसा है वो अंगराज? महाराज, उसकी भुजाओं में पर्वतों जैसा बल था। उसके मस्तक पर सैकड़ों सूर्यों का तेज था और उसकी गति तो ऐसे जैसे पवन की गति को भी पराजित कर दे। महाराज, महावीर, महावीर, उसने तो दानव को प्रहार करने का एक भी अवसर नहीं दिया। दानव के मृत्यु के पश्चात तुम लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम उस स्थान को छोड़कर तुरंत आपको सूचित करने यहाँ चले आए। महाराज, अद्भुत। मुझे घृणा है उस प्रत्येक व्यक्ति से जो रण छोड़कर भाग जाए। मुझे घृणा है उस प्रत्येक व्यक्ति से जो मेरे समक्ष मेरे शत्रु की प्रशंसा करे। और मुझे सबसे अधिक घृणा उससे है जो मगध नरेश को ललकारने का साहस करे। अंगराज, तुम्हारे अंग अंग को भंग करेगा जरासंध। एक और युद्ध का समय आ गया है। समय आ गया है शिष्यों, देखना यह है कि कौन होगा वो जो मेरी शिक्षा पर खरा उतरेगा। कौन होगा वो जो मेरी गुरु दक्षिणा देने में सक्षम होगा? कौन होगा वो जो पांचाल नरेश द्रुपद को परास्त करके बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आता है? कौन होगा वो? प्रयाण करो। रुको, क्या हुआ दुर्योधन? गुरुदेव, यदि पांडव और कौरव दोनों साथ साथ गए तो इसका निर्णय कैसे होगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? निर्णय कैसे होगा कि युवराज कौन बनेगा? इसीलिए ये मेरा निवेदन है कि पहले हम कौरवों को पांचाल नरेश पर आक्रमण का अवसर दिया जाए। पहला अवसर तुम्हें क्यों मिलेगा दुर्योधन? सबसे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर है। शांत भीम, शांत। दुर्योधन भी मेरा ही अनुज। यदि दुर्योधन पहले जाना चाहता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। तो ठीक है दुर्योधन, पहला अवसर तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मिलता है।
प्रयाण करो। चलो। यदि अंग के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए यह युद्ध आवश्यक है तो यह युद्ध होगा। जब अंगवासी ही शेष नहीं बचेंगे तो उनकी स्वतंत्रता और स्वाभिमान का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। कर्ण, तुम हस्तिनापुर का अंग हो। तुम्हारी मूर्खता हस्तिनापुर को एक अवंचित युद्ध की अग्नि में झुलस देगी। हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए अंग का बलिदान किया गया, ये अनीति क्यों? यही नीति है कर्ण। एक परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उसके एक सदस्य का बलिदान दिया जाए तो उचित है। उसी भांति एक ग्राम की सुरक्षा के लिए एक परिवार का बलिदान उचित है। उसी भांति एक प्रदेश के लिए एक ग्राम और एक साम्राज्य के लिए एक प्रदेश का बलिदान हो, यही राजनीति है। मेरी समझ में राजनीति का अर्थ थोड़ा भिन्न है मामहिम। राजनीति का अर्थ है राजा की नीति, और अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा की सबसे बड़ी नीति होती है। और अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर मौन रह जाना ये राजनीति नहीं अनीति है। और ये राधेकरण इस अनीति का साथ कभी नहीं देगा। अर्थात तुम मगध से युद्ध करोगे? हाँ। पराजित हो जाओगे कर्ण। नहीं, ये कर्ण विजयी होगा या वीर गति को प्राप्त होगा। पराजय होना तो मेरे विकल्प में ही नहीं। अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण दे देना ये मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ नीति है। स्वागत है कुरु राजकुमार। स्वागत नहीं, अपने शत्रु से युद्ध किया जाता है पांचाल नरेश। परंतु तुम हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के पुत्र हो, और जहां तक हमें स्मरण है हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। मुझसे ना सही, परंतु मेरे गुरु से अवश्य है। वो ब्राह्मण द्रोणाचार्य स्वयं तो हमारा बाल भी बांका न कर पाया, परंतु अब लगता है तुम्हें अपने बातों के व्यू में उलझाकर तुम्हारे द्वारा अपना प्रतिशोध हमसे लेना चाहते हैं। प्रतिशोध उनका सही, परंतु मेरे लिए ये गुरु दक्षिणा है। ठीक है, यदि तुम युद्ध ही चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आक्रमण! जरासंध ने आक्रमण कर दिया है। यदि युद्ध ही नियति है तो मैं मगध नरेश से युद्ध करूंगा। तुम मगध नरेश को अधिक समय तक रोक नहीं पाओगे कर्ण। अंग की रक्षा अब मैं करूंगा। नहीं, अंग अपनी रक्षा करने में आत्मनिर्भर है मां महीम। अंगवासी ये युद्ध स्वयं लड़ेंगे। Come on.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.